दूसरी मर्तबा है ये जब खून निकल रहा है, है ना? मॉम आई एम लॉस्ट, ये बहुत डीप मीनिंग हिट करता है भाई। ओ भाई, और उसके बगल में कैसे काट काट के पत्थर से बनाया है रास्ता, ओ पटरे का बना ब्रिज है भाई, सारा पटरा हिल रहा है। तो भाई यहाँ भी आपको एंट्री करानी पड़ती है, एंट्री कराने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। तो अपनी एंट्री वगैरह हो चुकी है, तो ये है भाई यहाँ का लास्ट पॉइंट, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त हूँ मैं हुंडर में, जो कि मैंने यहाँ पर नाइट कैंपिंग वगैरह की थी। हुंडर से 85-86 किलोमीटर बचता है तुरतुक, तो अभी हम राइड स्टार्ट करने वाले हैं तुरतुक के लिए, और तुरतुक से आगे थांग, और फिर हम देखेंगे एलओसी। देखने के बाद हम आएंगे इधर वापस। सो हमने जो स्टे किया था वो दो लोग थे अपने साथ, एक थे ये, व्हाट्स योर नेम? Dustin from America, huh? Yes. So he's also traveling and put a camp with us in last night, and he's Guy from Canada. So हम लोगों ने बहुत रात में enjoy वगैरह किया, रात को enjoy किया, और इधर का sunset और sunrise बहुत खूबसूरत है। ये सारे mountains आप देखो इस तरफ, ये छोटी सी ये लेक टाइप है, उस तरफ वो जो पेड़ दिख रहे हैं ना, उस पेड़ के जस्ट इस साइड में एक छोटी सी नदी टाइप की बह रही है, जो आगे जाके बड़ी नदी में मिल जाती है। तो यहाँ रुकने का ना जो नज़ारा था वो बहुत खूबसूरत था, तो हमने सारा टेंट वगैरह पैक कर दिया है। निकलूँगा मैं इस तरफ से आगे तुरतुक और थांग की तरफ। और अगर अभी तक आपने ना पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोज़ जाके देख लो, और अपने चैनल पर ना ज्वाइन बटन आ गया है, तो यार कोई सपोर्ट करना चाहो तो सपोर्ट भी कर दो, और ज्वाइन करोगे तो मेंबरशिप आपको मिलेगी। मेंबरशिप में आपका थोड़ा फ़ायदा होगा कि आपको वीडियोस पहले मिलेगी, और उससे मेरा ये फ़ायदा होगा कि मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग होगी क्या कहते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट की वजह से ही मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। सामान वगैरह पैक कर दिया है और अपनी बाइक भी हो चली है रेडी, तो अब यहाँ से है निकलने का टाइम। तो या बाय, या सी यू, या गुड लक माय फ्रेंड, नाइस टू मीट यू। तो अब यहाँ से पकड़ेंगे उसी हाईवे को, और हाईवे को पकड़ते हुए हम चल देंगे एक्सप्लोर किया जाए। तो आ गए हैं हम अपनी सर्विस रोड पे, और सर्विस रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं मेन रोड की तरफ। मेन रोड गूगल मैप के हिसाब से उस तरफ है, उस तरफ, तो अपने को जाना है उस तरफ, और फिर वहाँ से आगे ट्रैवल करना है 94 किलोमीटर, जो कि 2-3 घंटा लेगा। तीन घंटा कम से कम लेगा, तो हम 3 घंटे में पहुंच जाएंगे तुरतुक और थांग। फिर आपको कराता हूं मैं एलओसी का नज़ारा। तो ये जो सारा है ना, ये सारा ये हुंडर विले, हुंडर जो जगह है, इस जगह के सारे होटल्स और होमस्टे वगैरह हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, और कैंपिंग अगर करना चाहो तो मैं जहाँ कैंप कर रहा था आप वहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो। सो इट्स टोटली फ्री, और एक जो बंदा दूसरी तरफ टेंट लगा के रखा था वो ना 3 दिन से वहीं पर स्टे कर रहा है, और मैंने कुछ साथियों को देखा अपने, तो वो पीछे थे UP 32 और यूपी लाइक नोएडा साइड के भी थे, तो कई सारे लोग आए हुए हैं जो उधर पीछे गए हैं। तो हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे वहाँ से आने के बाद, क्योंकि मैं एलओसी को मिस नहीं करना चाहता, इट इज़ द मेन रीज़न।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रनीन इल्ला इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र की दुआ भाई ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपके आसपास कोई नहीं है, तो ये दुआ ही आपके काम आएगी। अल्लाह ताला खैरियत से पहुँचा दे। बस और इन सारी जब सिंगल रोड हो ना, तो इस पर ड्राइव करते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, वो ये है कि हमेशा अपनी नज़रें सामने सड़क पे रखना, इधर उधर मत हटाना। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और कोशिश करना कि कंट्रोल में रह के बाइक चलाना। विदाउट कंट्रोल में जो बाइक चलाओगे ना, फिर हर्ट होगा आपको, हर्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। क्या नीचे का पानी है यार, एकदम क्लियर क्लियर क्लियर। ये देखो ये सारी जगह आपको मॉनेस्ट्री टाइप की दिख रही होगी। दूसरी मर्तबा है ये जब खून निकल रहा है, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्या क्या झेलना पड़ता है। इधर कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती दोस्त। पूरा शरीर ना सूख जाता है। अब जाके खून रुका, जितना इतने दिन में खून बना नहीं उससे ज्यादा तो बह गया है। ओह हाँ, ऐसी रोड पे हूं, पीछे और आगे कहीं कुछ नहीं दिख रहा, ना आदम की जात। इसलिए जितना हो सके पानी पीते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो फिर खून निकलना तय है। ज़िंदगी में मैंने 20 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में जितना मैंने गर्म पानी नहीं पिया उतना मैंने इस एक हफ्ते में पिया है। हम अपनी दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा जरा सी बात पर आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पर चलते नहीं हम, तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते। करना कि बस्ती वाली जगह हो कहीं तो वहां रुकना, ऐसे सन्नाटी जगहों पे बिल्कुल ना रुकना। मैं रुक गया लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए था। पता है यार, जब ऐसे वीरान में ना ये मिलता है, एक तरह का जब ये गांव वगैरह मिलता है ना वीरान में, तो देख के दिल खुश हो जाता है कि यार ऐसे बंजर इलाके में भी लोग कितने आराम से रहते हैं।
पता है मोटो राइड का असली मजा यही है कि ऐसे सन्नाटी रोड हो और ये सारी वादियां हो अगल बगल और स्पीड से गाड़ी अपनी क्रूज करते चले जाओ। ओ भाई सन्नाटी रोड का नाम लिया, ये तो बवंडर आ गया। धोखा हो गया भाई। कोई नहीं, थोड़ा सा ख़राब था फिर अच्छा मिल गया है। और सामने एक गांव दिख रहा है जो कि काफ़ी हरा भरा और सब सरसब्ज दिख रहा है। उस गांव का नाम है स्कूरू, स्कूरू विलेज है वो। 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आपको लग रहा है कि वो 5 किलोमीटर होगा? है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है अपने स्कूरू विलेज। उसके आगे जाएंगे अपन लोग तुरंत। गाड़ी अभी जो क्रूज कर रही है वो 73 की स्पीड है और हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे निगाह जा। सामने से आता दिख रहा है एक ट्रक, उस ट्रक को हम देंगे थोड़ा सा अपना साइड। ये रोड तो काफी बड़ी है, दो लोग आराम से, एक बाइक एक ट्रक आराम से जा। तो ये है स्कूरू विलेज। It is not the rally, enjoy the valley. ये ब्रो के थॉट्स हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अंकल जी हाथ दिखा रहे थे किस लिए पता नहीं। ओके किस लिए दिखा रहे थे पता नहीं, लेकिन गाड़ी स्पीड थी तो मैं रोक नहीं पाया। अंकल जी के लिए आई एम सॉरी। तो आप नीचे विलेज देख रहे हो ना, ग्रीन सा हिस्सा, ये है चंगमार विलेज। ये चंगमार विलेज है और ये सीधा रास्ता चला जाएगा तुरसुक की तरफ। वी वांट यू सेफ। तो ये पूरा हिस्सा है चंगमार विलेज का। और देखो इतनी रिमोट लोकेशन में भी लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सही बात है भाई, नॉलेज is most important thing in this world. आपको अगर सही गलत की पहचान करने के लिए ज्ञान नहीं है ना, तो आप में और फिर जानवर में क्या फ़र्क है, मतलब मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क है, अगर मैं सही गलत की पहचान भी ना कर सकूँ तो। क्या खतरनाक जगह है यार ये तो, ऑफ रोड प्लस रिवर प्लस ये छोटा सा ब्रिज। ओ भाई, और उसके बगल में कैसे काट काट के पत्थर से बनाया है रास्ता। ओ ये देखो रास्ता कैसे बनाया है पत्थरों को काट काट के। यार वो वाटर क्रॉसिंग वगैरह नहीं मिली, वो मनाली साइड से आएंगे ना तो मिलेगी। इस साइड तो ब्रो ने एकदम कमाल कर रखा है यार। ब्रो सेस ड्राइव लाइक हिल, सून यू विल बी देयर। अगर खतरनाक गाड़ी चलाओगे ना तो उसी खतरनाकी में तुम पहुंच जाओगे, ब्रो कहता है ये। ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब अपने को करनी है साइड चेंज। वेट करना है यहाँ पे, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। क्या जबरदस्त है यार, रुकते हैं थोड़ा सा ना,
पिकअप को जाने दो, वन व्हीकल एट ए टाइम। ओ भाई पटरे का बना ब्रिज है भाई, सारा पटरा हिल रहा है। चलो अपन पार हो गए, अब अपन को इस रास्ते को पकड़ के चलना है आगे। अभी तक तो हम नदी के उस साइड चल रहे थे, अब हम चलेंगे नदी के इस साइड। ओके गॉट इट। चलो अब स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। ओ भाई ये क्या है, ये सैंड ड्यून्स। ये तो नदी से निकल के इधर किनारे आ गया। ओ भाई रेत के पहाड़। तो भाई तुरतुक से पहले ही पड़ता है कि चेक पोस्ट, तो यहाँ पर आपको ना एंट्री वगैरह करानी होती है, क्योंकि बगैर एंट्री कराए फिर आप आगे नहीं जा सकते। और एंट्री कराना ज़रूरी भी है, वो इसलिए क्योंकि पता चलता है कि आपने इतने बजे इतने टाइम पे इस जगह को क्रॉस किया। तो अगर कभी आप मिसिंग वगैरह रहोगे तो ये आपको आराम से ढूंढ लेंगे। तो ये पूरा ना शोक वार मेमोरियल है, ये देखो जो पीछे लिखा हुआ है, ये अलग अलग तरह के सियाचिन वॉरियर्स के यूनिफॉर्म है। सबसे हाई लेवल पे जो होता है वो वाइट वाला, फिर उसके बाद वो पीछे वाला, फिर वो फिर लास्ट में वो चौथा नंबर वाला। ऐसे अगर सीधा अंदर जाओगे ना तो जो वो वाइट वाला स्पॉट दिख रहा है ये वार मेमोरियल है, तो इसके अंदर आप विज़िट कर सकते हो। इस एरिया में आप पार्किंग वगैरह कर सकते हो, जो कि अभी मुझे तुरतुक निकलना है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा, लेकिन अगर कोई इस रास्ते विज़िट कर रहा हो तो अंदर जाके पूरा विज़िट कर सकता है। छोटा सा मैंने सोचा आपको एक व्यू दे देता हूँ। ये जो वर्ड लिखा है ना मॉम आई एम लॉस्ट, ये बहुत डीप मीनिंग हिट करता है भाई, बहुत डीप मीनिंग। क्योंकि ना जब घर से एक सोल्जर निकलता है तो वो कहता है कि मैं आऊँगा वापस आऊँगा, लेकिन फिर उसे कुछ नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होगा, वो घर भी वापस जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो एक सोल्जर और एक वॉरियर की कहानी ना कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। उसे कुछ नहीं पता होता कि अगले पल उसके साथ होने वाला क्या है। तो हमको इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि वो इन सारी जगहों पे आप देख रहे हो ना, एक इधर कोई पेड़ नज़र आ रहा है, आप दूर तक देखो कोई एक आपको ट्री नहीं नज़र आ रहा है। ऐसी जगह पे ये लोग रह के हमारे देश की समझ लो कि सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो एक इनके लिए सैल्यूट और एक लाइक बनता है भाई। क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा। तो ऑलवेज इंडियन आर्मी के जो भी ऑफिसर्स हैं सोल्जर हैं हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पे सिर्फ वही रहते हैं। तो ये पूरा इलाका बोगदांग विलेज का है और लग गई है जाम। हाई एल्टीट्यूड पे ये लोग रहते रहते हैं भाई, यहाँ के बच्चे ना जैसे देखते हैं वैसे हाथ हिलाने लगते हैं, जो भी बड़ा अच्छा लगता है। एक पीछे ब्रिज पड़ा था तो हम रोड के साइड पहुंचे थे, अब एक ब्रिज ये है जिससे हम रोड के पहले वाली साइड पहुंच जाएंगे। स्पीड कम से कम रखनी है। समझ रहे हो?
ये सारे पटरे हैं। तो भाई जो भी इंस्ट्रक्शन मिले आपको रोड साइड में उसे ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ सोच के लिखे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा था इस ब्रिज पे आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल के एकदम हवा हो जाओ ना, जितनी नॉर्मल स्पीड रख सको कम से कम उतने पर चलो, क्योंकि कुछ ना कुछ सोच के उस चीज को वहाँ मेंशन किया गया था। भाई अभी भी यहाँ से तुरतुक बचा है 7 किलोमीटर, तो ये एक नज़ारा देख गया मैंने, सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं। बाइक से जाने का ना असली फायदा यही है कि जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ बाइक रोक सकते हो। क्या नज़ारा भाई, पानी देख रहे हो एकदम खतरनाक। है तुरतुक विलेज, काफी सारे घर खाली लग रहे हैं। वो जो जंगल, ये जो पेड़ वाला एरिया है ना, इधर लोग रहते होंगे। तुरतुक विलेज, तुरतुक 1 किलोमीटर दिखा रहा है यार। 1 किलोमीटर का मतलब यही वो एरिया है। तुरतुक से अब अपने को आगे जाना है थांग। थांग की दूरी है यहाँ से 10 किलोमीटर। तो ये है तुरतुक विलेज, बकवीट कैंप तुरतुक। यहाँ पर दोस्तों ने मेरे बताया था कि अकोमोडेशन महंगा है, होम स्टेस वगैरह काफ़ी कॉस्टली है। होटल तुरतुक डिलाइट गेस्ट हाउस। यहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है, वाईफाई तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी सिम में नेटवर्क नहीं है। वैसे मेरे पास सिम है भी नहीं, तो मैं नेटवर्क का करूँगा क्या। ये देखो, ये है तुरतुक। तुरतुक से आगे हम पहुंच गए बॉर्डर विलेज त्याक्षी। त्याक्षी से आगे रास्ता जाएगा थांग का, ये है बॉर्डर एरिया। तो मैं मोबाइल को करता हूं बंद। तो भाई यहां भी आपको एंट्री करानी पड़ती है, एंट्री कराने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। तो अपनी एंट्री वगैरह हो चुकी है और अब चलते हैं आगे। तो भाई साइड में हैंगिंग ब्रिज, और हम लोग इस वक्त त्याक्षी से आगे निकल चुके हैं, और थांग विलेज यहाँ से है मात्र 5 किलोमीटर। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि थांग में एक ऐसे आदमी रहते हैं जिनका इंडिया पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है, तो हम उनसे भी मिलेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो भी कन्वर्सेशन रहेगी, देखो पहले उनसे मिल पाना संभव होता है कि नहीं। अगर संभव हो जाता है तो उनकी स्टोरी हम उन्हीं के ज़बानी सुनेंगे, और अगर संभव नहीं हो पाता तो फिर उनकी स्टोरी जो मुझे पता है थोड़ी बहुत, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ एक फोटो बनता है भाई। तो ये भाई लास्ट ब्रिज पड़ेगा अपना, और थांग यहाँ से 3.5 किलोमीटर, जो कि आपने ऊपर देखा भी बोर्ड पे, उतना है बस। और वहाँ से चलेंगे हम LOC व्यू पॉइंट, और देखते हैं पाकिस्तान। पहली बार मैं ज़िंदगी में इतनी करीब जा रहा हूँ। और मेरे मोबाइल की जो GoPro की बैटरी है, जो GoPro का वो है, वो मतलब मेमोरी कार्ड, जो GoPro का मेमोरी कार्ड है वो एकदम फुल हो चुका है, तो मुझे उसे भी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी देर में करते हैं अभी। वाओ, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब इतनी ऊपर आके इतनी ग्रीनरी मिलना, यकीन मानो जब मैं हरा भरा चीज़ें देखता हूँ ना, तो मेरा ना एकदम से दिल खुश हो जाता है।
आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी ग्रीन डी ऑल अराउंड विद मी, सो आई फील वेरी हैप्पी। सो ये है थ्याक्षी और थांग यहाँ से है थोड़ी ही दूर पे। तो वो जो सामने बना घर देख रहे हो ना, वहाँ वो शख्स रहते हैं जिन्होंने एक रात का बंटवारा अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त वो 5 साल के थे वो सामने घर में, और इस वक्त जो हम जा रहे हैं ये इंडो और पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट है जिसकी तरफ हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। तो बस चंद सेकंड की दूरी है, तो ऊपर वापस से होके आते हैं तब चलते हैं सर के पास, उनसे मिलते हैं। तो ये है इसका मेन पॉइंट। तो ये है भाई यहाँ का लास्ट पॉइंट, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट। ये सामने से वो जो सामने आपको विलेज दिख रहा है ना इस साइड, वो सामने जो विलेज दिख रहा है सामने वाला ना, वो है पाकिस्तान का गांव। ये अभी मैं ना अपने DSLR पे स्विच करता हूँ तो आपको कायदे से दिखेगा। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये इंडिया का लास्ट वो है पॉइंट। उसके अगल बगल आपको तार दिख रहा होगा, ये तार बाउंड्री डिसाइड करता है। और वो ऊपर जो आपको ये जो रिवर दिख रही है ना, ये रिवर का उस साइड पाकिस्तान में है और इस साइड ये इंडिया में है। और उसके अलावा ये जो ग्रीनरी है ना, ये सारे खेत हैं, अगर साफ ना दिख रहा हो तो। ये जो सारी ग्रीनरी है ना, ये पाकिस्तान के खेत हैं। फिर इसके और ऊपर चले जाओगे इस तरफ, ये जो विलेज देख रहे हो ना, ये इसमें जो बने घर है ना, ये सारे पाकिस्तान के घर हैं। ये सारा पाकिस्तान का है, ये नदी के उस पार पाकिस्तान, इस नदी के इस पार हिंदुस्तान। कितनी पास से देख रहा हूँ यार, और दिखाता हूँ आपको ऊपर की तरफ दिखाता हूँ पहाड़। उस पार का हिस्सा है ना, ये सब पाकिस्तान का है, और इस पार का हिंदुस्तान का है। जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये जो पहाड़ी है ना, इस साइड का हिस्सा सारा पाकिस्तान का है, इस साइड का सारा हिंदुस्तान का है, और उस साइड का सारा पाकिस्तान का है। ये जो गांव देख रहे हो ना, और ये ऊपर गांव, ये पाकिस्तान का विलेज है। तो ये है भाई यहाँ का पूरा ब्लॉग जो आपने अभी तक देखा। ये सारे रेस्टोरेंट है जो कि इंडिया में पड़ते हैं, और वो है व्यू पॉइंट। यहाँ से मैंने जो आपको DSLR से दिखाया जूम करके, वो सामने का जो ये जो ग्रीनरी दिख रहा है ना, ये इसके पीछे जो ग्रीनरी वो सारा पाकिस्तान का है, और ये इधर हिंदुस्तान का है। ये जो पहाड़ ऊपर सारा दिख रहा है ना, ये सारा हिस्सा पाकिस्तान में आता है। और उस साइड पहाड़ी पे ना एक इस वाले इस पे एक वो भी लगा है जिसमें फ्लैग लगाते हैं। ये था यहाँ तक का वीडियो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी जगह। अब है टाइम यहाँ से वापस से निकलने का, वरना देर हो जाएगा काफ़ी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना। ये है भाई उनका घर जो बिछड़ गए थे अपनी फैमिली से, और घर अंदर से काफ़ी ज़बरदस्त, इनको इंडियन आर्मी ने बाद में पाला था। ये पूरा बॉर्डर है ना, इसके आगे भी था। नहीं, बस ये लास्ट। तो ये पार्ट पाकिस्तान का था। जी जी जी, ये तो 1971 में 5 गांव जो पाकिस्तान से यहाँ आया था, उसका कहानी तो
अगर आप सुनते हो तो मैं तो ये चाहते हैं सर, है ना सर, जो लोहा पीतल से पहले 10,000-9,000 साल पहले क्या जिंदगी था, और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी बना रखा है, बुराई नहीं कहते हैं। जब पाकिस्तानी फौज यहाँ से भागना शुरू हो गया तो उन्होंने एक संदेश दे दिया, हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, हमें खाएंगे मारेंगे, बल्कि उन्होंने ये अफवाह भी फैलाई कि लोग बच्चे बच्चों को खाता है।